आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है एक बोल्ड फोटोशूट, जैसे कि आप लोग मेरा ये सेकेंड आउटफिट देख सकते हो, इट्स लाइक अ कंप्लीट डेनिम लुक. सो इट इज़ आई कैनॉट से ये बोल्ड है, बट ये बहुत क्लासी है और ये बोल्ड है. सो मुझे यूजुअली ऐसे कपड़े पहनने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड या. ये सेम इंटरनेशनल ब्रांड है जो हाउस ऑफ बॉसी, जिसके लिए मैं आज शूट कर रही हूँ. एंड इनके जो आउटफिट्स होते हैं ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं. हमेशा मैं शूट करने का ट्राई करती हूँ जो मेरा 100% दे सकूँ. सो ये आप बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत बोल्ड आउटफिट्स भी है जिसके आप देख सकते हैं. एक फोटोग्राफर है यश भटवाल. सो मेरा परमानेंट फोटोग्राफर है जो हमेशा, मतलब उन्हीं के पास से मेरे शूट्स होते हैं सारे. जितने भी आप लोग मेरे पिक्चर्स देखते हो इंस्टाग्राम पर, जितने भी पिक्चर्स मेरे वायरल करते हो, सो उसके पीछे सिर्फ यश भटवाल है. सो या उनके साथ एक मेरा कंफर्ट लेवल बहुत बहुत अच्छा है एंड उनके साथ काम करने में भी मज़ा आता है. तो एक होता है ना कि अगर मेरे को बोल्ड के लिए भी पोज करना है तो ये ऐसे कम्फर्टेबली उनके सामने मैं पोज कर सकती हूँ. मैं शादी के लिए मुझे लड़का भी मिलना चाहिए ऑफकोर्स, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है. बात रही साउथ के जो खबरें मेरी वायरल हो रही है अबाउट विजय देवर कॉन्टाइन में, सो दिस इज आई थिंक उसके साथ शादी करने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी बिकॉज वो मेरा बहुत ही एक क्रश है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा क्रश है. और ज़रूर उनसे मिलना भी चाहूँगी. मैं उस विजय देवरकोंडा की बात कर रही हूँ जिसने अर्जुन रेड्डी मूवी की थी एंड उसकी हमारे बॉलीवुड में कबीर सिंह रीमेक आई है. सो ये काफ़ी सारी बातें आई थिंक मेरे को इंटरव्यूज़ में देखने मिल रही है कि यू नो अबाउट मी एंड हिम, बट आई थिंक वी आर जस्ट फ्रेंड्स अभी तक तो, बट हम मिले नहीं हैं. होपफुली मिलेंगे. और अगर उसने मुझे शादी के लिए पूछा तो यस, मैं शायद सोच समझ के हाँ बोलूँगी. बॉलीवुड में है बट आई थिंक कमिटेड है सारे. जो मेरे फेवरेट स्टार्स हैं वो कमिटेड है हम लोग. सो सलमान खान, उनके साथ अगर मेरे को शादी करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं तो पहले कर लूँ क्योंकि वो शादी करते ही नहीं है. तो या बॉलीवुड में आई वुड लव गो फॉर सलमान. आपको किसका ऑफर आया है कि आप शादी करना चाहते हैं? बहुत सारे आते रहते हैं बट मुझे आई एम वेरी वेरी मच सिलेक्टिव अबाउट माय गाय. मेरा जो बॉयफ्रेंड होना चाहिए या मेरा जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उसे मैं बहुत सोच समझ के चुनूंगी बिकॉज ऑफकोर्स लाइफ पार्टनर, हमें उनके साथ शादी करनी है और पूरी लाइफ बितानी है. सो होप फॉर द बेस्ट. अगर कोई ऐसे प्रिंस और राजकुमार आए मेरी लाइफ में सडनली ऐसे एंटर हो जाए तो इट विल बी अ वेरी अमेजिंग. कहना कि आपकी लाइफ अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं है. मैं मेरे काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और अभी तक तो ऐसे प्यार व्यार हुआ नहीं है, बट होगा तो आई थिंक आप लोग पहले होंगे जिनको पता होगा ये बारे में. कई लोग कह रहे हैं कि ट्विंकल जी बिग बॉस में जाने के लिए इस तरह के फोटोशूट करा रही है, क्या बिग बॉस में जाने का आपका कोई इरादा है? देखिए बिग बॉस सीजन आई थिंक दो साल से मुझे कॉल्स आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ लिल बिट ऑफ पार्शलिटीज़ मैं नहीं जा पाई एज अर्शी खान एंटर हो चुकी थी बिग बॉस हाउस में. एंड ये साल आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी द शो इज़ गोइंग ऑन एयर ऑन अक्टूबर, बट होपफुली आप लोग मुझे नेक्स्ट ईयर बिग बॉस में देखोगे. तो या काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब ट्रस्ट में उसके लिए. मुझे तो पहले ये पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ एल बायोलॉजी. बाद में मैंने ये सारी चीज़ें देखी, आई वाज लाइक ओके ये ऐसे भी कोई वेब सीरीज़ है जिसमें पीपल आर शोइंग सम रियली बोल्ड कंटेंट एंड ऑल दिस. ओके सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड. मतलब यू नो ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो हमारे जैसे एक्टर्स होते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है. ऑफकोर्स अगर मुझे अच्छा कोई लग रहा है कि हाँ ठीक है ये कॉन्सेप्ट आई कैन गो फॉर, तो आई वुड लव टू वर्क फॉर एल बायोलॉजी ऑल्सो. उल्लू एल बायोलॉजी आई एम रेडी. लोग दिखा रहे हैं तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं
पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ बिकॉज आई थिंक जो हमारी वेब सीरीज होती है उसमें यू कैन शो द कॉन्टेंट प्रॉपरली. जैसे कि अब नेटफ्लिक्स आप पकड़ लो, उसमें देर इज़ नो आई थिंक मतलब ये बोल्ड नहीं हो सकता है, फिर यू नो देर आर नो सेंसर्स एंड एनी थिंग लाइक. बट देन या वेब सीरीज आई थिंक इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप लोग अपने आप को शोकेस कर सकते हो, हम जैसे एक्टर्स को काम करने का मौका मिलता है. देखिए शुरुआत तो मैंने यहाँ से की थी. मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं सोचा था दैट आई एम गोइंग टू बी एन एक्ट्रेस. आई थिंक मुझे मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्रेक मिला था अमेजोन कुछ है आई थिंक इट्स अ प्रिंट शूट. सो मेरे मॉम ने उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. शी वाज़ लाइक कि नो ट्विंकल आई थिंक यू शुड स्टार्ट अप विद द मॉडलिंग एंड यू नो एंड ट्रस्ट मी. मैंने कभी मेरे लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं एक मूवी करके मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, दैट टू ऑल मिलियन फॉलोवर्स एंड पीपल आर लविंग मी सो मच. मैंने ये मेरे मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूँगी. बात रही यहाँ तक कैसे पहुँची, जैसे मैंने आप लोग को बोला कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी मैंने फेस की है बिकॉज़ मैं एक मराठी मुर्गी हूँ और मेरे जो फैमिली है मतलब मेरे फादर नहीं है, मेरी सिर्फ मॉम है और मेरा एक छोटा भाई है. सो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई है बट आई थिंक उसमें से निकल कर मैं आगे बढ़ी तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. सो या मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सिर्फ इंस्पायर करते रहूँ. ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ें नेगेटिव इसमें यू नो वैसे नहीं, बट मुझे बस इंस्पायर करना है लोगों को. मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई हैव सीन हिम, मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगी. मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी बट हाँ उनसे एक बार तो ज़रूर लाइफ में मिलना चाहूँगी. क्या मतलब कुछ काम से मिलना भी चाहती है? नहीं बिकॉज आई थिंक मैंने उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है कि लाइक यू नो ही वॉज़ अ वेरी नॉर्मल पर्सन एंड आज जो वो लेवल पर है मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम एक्चुअली बट ज़रूर मिलना ज़रूर चाहूँगी बस. ये बहुत ज़्यादा जबकि आई थिंक मेरा एक गाना भी आ रहा है अभी, इट्स बेस्ड ऑन पुलवामा अटैक. सो ज़रूर मिलना चाहूँगी उनसे बिकॉज आई थिंक वॉट एवर ही हैज़ डन अभी तक मैं सल्यूट करती हूँ. तो व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी बस ऐसे ही प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बोल्ड पिक्चर्स लाते रहूँगी एंड नोबडी कैन स्टॉप मी. थैंक यू सो मच. मेरा जो गाना ये शूट हुआ है मेरे सिंगर है दीप ओसान एंड मैंने आई थिंक ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गाना होगा बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन आर्मी. उनके लिए ये गाना मैंने इसलिए किया बिकॉज देखो आप लोग आजकल के जनरेशन में ये गाने देखते रहोगे कि चलो फैशनेबल है, डिस्को सॉन्ग है या फिर यू नो, बट मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाती हूँ कि अच्छा ठीक है अगर मुझे कुछ करना है तो यू नो कुछ हट के करो. तो ये इंडियन आर्मी बेस्ड सॉन्ग है और मैंने जहाँ पर जो लोकेशंस पर शूट किया था वहाँ पर मतलब ऑक्सीजन तक नहीं था. लिटरली हम लोग कॉम्बी फिल्म्स ले के हम सीन्स दे रहे थे तो बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत की है कि पूरा 100% ये गाना हिट हो. एंड जैसे कि ये मेरे देश के लिए गाना है तो आप लोग प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ इस गाने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और बहुत ज़्यादा प्यार देना. और बाकी का तो आई थिंक आप लोग को जल्दी मेरे पोस्टर्स आ जाएंगे अभी 2-3 दिन में एंड नेक्स्ट वीक मेरे सॉन्ग का रिलीज़ है. सो दीप ओसान को एंड ट्विंकल कपूर को इस गाने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार देना. सारे इंडियन आर्मी के लोग जितने भी हैं हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देश के लिए इतना सब कुछ किया और ये गाना दिल से आप लोगों के लिए सिर्फ देश के लिए ये गाना.